बहुत सारे आपके जो कंटेंट होते हैं वो इसी तरह रोज़मर्रा की रूटीन से निकले हुए होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम ऐसे होते हैं कि यार हम कह रहे होते हैं ये हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन हमने शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा। क्या ये सेंस जो है वो हर किसी में होती है अगर वो उसे पॉलिश करना चाहे, या ये किसी किसी में है कि आप उस सिचुएशन को जो है वो ऐसे बना लेते हो कि यार इसमें से ऐसा कंटेंट निकल सकता है जिससे लोग हंसेंगे? अच्छा ना, पता है क्या, एक आर्टिस्ट में और बाकी लोगों में, परफॉर्मर में एक फ़र्क होता है, जो राइटर होते हैं उनमें भी, कि वो ऑब्जर्वर बड़े अच्छे होते हैं। अब सब वाक़यात आपके सामने आगे पीछे हो रहे होते हैं, लेकिन आप ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते। जो ऑब्ज़र्वर होते हैं ना, वो इस चीज़ को पिक कर लेते हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल होने का एक टिप बता रहा हूँ कि अगर आप कोई ऐसा कंटेंट बनाएं जो कि रिलेटेबल हो। अच्छा। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जो कोई मुझसे पूछता है ना कि कंटेंट कैसे वायरल हो सकता है, तो मैं कहता हूँ यार तीन चीज़ें आप फॉलो करें, ठीक है। पहला, सबसे पहला रिलेटेबल हो, जिससे मैक्सिमम लोग रिलेट कर पाए। आपने देखा होगा बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो बिल्कुल कॉमन लाइफ में से हैं, तो हर कोई सादा जिंदगी वाले लोग। मैंने कंटेंट बनाया था जो मुझे पता था नहीं चलना, वो था मैंने स्कैमर्स पे बनाया था, जो MLM मार्केटिंग करके स्कैम करते हैं ना लोगों को, तो उन पर बनाया। मुझे पता है ये नहीं चलना क्योंकि लोग बहुत कम रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक नीश है, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करती है कि मैक्सिमम मैसेज जो है ना वो रिलेट कर पाए। अगर इसकी बजाय वो बनाते ना कि आपका मैसेज आ गया कि 25,000 आपका इनाम निकल आया, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा, क्योंकि हर किसी को आया है वो लोड वाली अस्मा, वो जो अल्लाह माफ़ करे उसकी ना माँ ठीक हो रही है ना, वो पैसे मांगना बंद करी उसकी माँ, उस 6 साल सर वो अस्पताल में रहेगी तो उसका कारोबार चलेगा। अच्छा, दूसरी बात, पहला रिलेटेबल, दूसरा रेलेवेंट। हाँ। अगर आपका कंटेंट रेलेवेंट है आजकल के चीज़ों, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आपने बताया जो वायरल वीडियो हुई है, जो लोग उससे रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं वो चल रहा है। हाँ। ठीक है ना, जो उन उस टॉपिक से उस पे बात करें और साइड पे छोटी सी वीडियो भी होगी तभी चलेगी, वरना चलेगी नहीं। जिस पे हैशटैग वो लगवा। हम उमर यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये यही चीज यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जिन लोगों ने कंटेंट बनाना है वो तीसरी चीज क्या है जिसकी वजह से आप, और रेलेवेंट और रिलेटेबल डिफरेंट कैसे है मुझे नहीं समझ आएगी। अब वी विल टॉक अबाउट।